अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद खान सर। आज हम SCF और LCM का कंसेप्ट सीखेंगे। SCF क्या है, देखिए आप स्क्रीन पर। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको GCD भी बोलते हैं, ओके। और उर्दू में इसको मुश्तरिक आधे आज़म कहा जाता है, ओके। मुश्तरिक आधे आज़म हम किस तरह से निकालते, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 16 है और 48 है, इसका हमको GCD या SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF। अब ये SCF निकालने के लिए इसके प्राइस 16 क्या होता है 48, मतलब हमने 48 के फैक्टर किया गया 16 × 3, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे 16 है, अब 16 के फैक्टर क्या गिर सकते हैं 16 × 1। अब LCM निकालते तो इसमें सिर्फ SCF निकालते तो इसमें कॉमन फैक्टर लेते, क्या लेते कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब 48 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा 16। इनका कॉमन फैक्टर का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, है ना आसान। अगर हम इस तरह से जाते थे 16 का, तो देखिए 16 का क्या होता था यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, ओके। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, मतलब इसके दो ऐसे फैक्टर गिराए कि जो इसके बाद गिरते नहीं, ओके। 48 का क्या हो जाएगा 16 × 3। अब यहाँ पे क्या हो सकता, और फैक्टर लिए हमने कॉमन में, यहाँ पे 16 के क्या हो सकते 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 × 3। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 4 बार है और ये 2 4 बार है, मतलब ये कॉमन फैक्टर है। क्या ये कॉमन फैक्टर, मतलब CF। अब यहाँ क्या ले सकते 2 2 2 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे 16, कितना आ रहा है यहाँ पे 16। अब ये आसान ट्रिक है, इसकी इजी मेथड है, ओके। कॉमन फैक्टर है, मिलकर 16 हो गया। इस तरह से हम क्या नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, CF क्या 15 और 30 45 और 30, ओके। अब देखिए 45 और 30 को हम एक टेबल में लेकर आ सकते हैं। 45 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 15 ज़रब 3, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, और 30 को भी 15 ज़रब 2, 15 × 2 = 30। इसका मतलब ये दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन है 15 है, तो इसका मतलब 45 और 30 इनका SCF क्या निकलता 15, क्या निकलता 15, ये मेथड से। अब आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो कैसा करेंगे, ऐसे 45 के फैक्टर 15 ज़रब 3, 45 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 ज़रब 3। अब देखिए होगा ये एक नंबर। अब यहाँ 30 है, 30 को कैसा कर सकते हैं हम 15 × 2 = 30, ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 3 = 15 ज़रब 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या कॉमन है, अब देखिए ये दोनों कॉमन, इसको एक बार लिख देते 5 ज़रब 3, जो डबल आता उसको एक बार, ओके। जो डबल आता उसको एक एक बार, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 दो बार है तो एक बार, 3 3 तो एक बार, 15 × 3 = 45, ओके। 15 × 3 = 45, ये सॉरी 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, तो ये 15 आ गया इसका CF कॉमन फैक्टर। और इसका मतलब यहाँ पर SCF क्या आया 15, SCF कितना आया 15। इस तरह से हम क्या निकाल सकते SCF, SCF क्या है, दोनों को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने का, छोटे से छोटे फैक्टर बनाने का, उसके बाद कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने का, जो मुश्तरिक आद रहते हैं उनकी ज़रब कर देने का, इससे निकल जाता है SCF, मुश्तरिक आदे आज़म, ओके। कहते से लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, उर्दू में इसको मुश्तरिक जुजाफे अक्ल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मुश्तरिक जुजाफे अक्ल निकालना है 9 और 15 का, ओके। इसका मेथड क्या, देखिए थोड़ा अलग है, 9 के फैक्टर 3 × 3 = 9, ओके। इसके आगे होते नहीं फैक्टर, इसके आगे इसके अजाजर भी होते नहीं फैक्टर, गिरते नहीं। 15 का 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, ओके। अब देखिए मेथड क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके पे काम करके हमको LCM मालूम करना है, मेथड कौन सा यूज़ करना है। देखिए पहले इसमें कॉमन फैक्टर निकालने का, CF मतलब कॉमन फैक्टर, उर्दू में इसको मुश्तरिक आद भी बोलते, मुश्तरिक, ओके, मुश्तरिक आद। अब देखिए क्या कॉमन है बेटा इसमें बच्चों, 3 और 3 डबल, इसको एक बार, जो डबल है उसको एक बार। अब इसमें अनकॉमन क्या है, अनकॉमन मतलब अनकॉमन फैक्टर, मतलब अनकॉमन का मतलब क्या होता है गैर मुश्तरिक, क्या होता है गैर मुश्तरिक, ओके। अब गैर मुश्तरिक जो है तो यहाँ पे 3 और 5 है, मतलब ये 3 × 5, ओके। इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 4th, मैं आसान इसमें समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जब हम LCM निकालते, क्या निकालते LCM, LCM निकालते टाइम पे हमको क्या करना है कि पहले कॉमन फैक्टर कौन से आए 3 आए, ओके। फिर अनकॉमन कौन आए 3 × 5 आया, 3 × 5, इसका सबका मल्टीप्लीकेशन,
एलसीएम क्या है, कॉमन अनकॉमन का मल्टीप्लीकेशन, कॉमन अनकॉमन का मल्टीप्लीकेशन। ये 3 ये इंटू 15 मतलब क्या हो जाएंगे 15 या 45, तो एलसीएम क्या आ रहा 45। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है आप समझ गए होंगे, एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि पहले कॉमन फैक्टर निकालो, फिर अनकॉमन फैक्टर निकालो जो दोनों में नहीं हुआ अनकॉमन, और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, इससे निकलता एलसीएम। क्या निकलता एलसीएम, ओके 2, 3, 5 इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालो इसका एलसीएम। अब देखिए 2, 3, 5 अब 2, 3, 5 का पहले 2 के फैक्टर, 2 का क्या गिरेगा 2 × 1 मतलब ये कि फैक्टर गिरता, ओके। अब यहाँ से देखिए 3 का क्या हो जाएगा 3 × 1 ये दूसरा नहीं गिरता इसका आसान है, 5 का 5 × 1 ओके 5। अब सब में देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं, इसका मतलब सबके मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है क्या हमको, नहीं एक मिल रहा तो एक तो सब में ही रहता ना फैक्टर, इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 × 5 मतलब ये 2 × 6, 6 × 5 = 30 मतलब हमारा एलसीएम कितना आ रहा 30। एलसीएम कितना आ रहा 30। और भी एग्जाम्पल बनाइए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ घर पे करने के लिए, 15 और 20, 35 और 45 ये एलसीएम इसके मालूम कीजिए, ओके। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए जो भी चीज़ आपको करने के लिए दी जाती है बच्चों तो इसको कर आप सेंड कीजिए, ओके।